जयमल नाम के राजस्थान में भक्त भी थे, राजा भी थे। ऐसे बोलते हैं कि बहुत धन रहेगा तो भक्ति करना असंभव है, और ऐसे कहते हैं कि जिसको धन नहीं है, जो गरीब है, वो ज़्यादा भगवान को मानते हैं, उसको चाहिए इसीलिए मंदिर में जाता है, उनको भगवान का आशीर्वाद चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, ऐसे हम बात करते हैं। पर राजा भी होकर भक्त भी होना कितना बड़ा बात है। उनको बहुत भक्ति था। सुबह उठकर वो अपना कारोबार सब देखने के बाद, पहले तो सुबह उठकर नहा कर भगवान का पूजा कर कर अपना कारोबार देख कर फिर वो ध्यानावस्था में बैठ जाते थे। जब उस ध्यान में बैठते थे तो ऐसे कहते हैं कि भगवान के साथ बात करते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। भगवान कृष्ण का वो बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको कोई उठा नहीं सकता है, बाहर का कोई आवाज़ उनका कान में नहीं गिरेगा। अभी मैं इधर बोलूँगी तुम लोग ध्यान करो, और ध्यान का भी मैं इधर लगा दूँगी आपको, फिर भी वो बच्चों का आवाज़ बोलते हैं डिस्टर्ब हो रहा है हमको, बोलते हैं ना, फिर उनको कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, डीप कॉन्सेंट्रेशन। माता जी ध्यान नहीं लगता है ऐसा बोलते, ध्यान कुछ लगने वाला चीज़ थोड़ी ना है, ध्यान तो भाव से उठता है। एक जगह में एकाग्रता होनी चाहिए, तो उस जगह के ऊपर या तो उस चीज़ में हमें रुचि होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर कैसा लगेगा, खाली बैठे रहेंगे, मन और किधर रहेगा। मन जिधर रहेगा उधर आप लोग हैं। मैं कई बार बोलती हूँ, आश्रम में बैठेंगे तो मन आश्रम में लगाओ। आश्रम में क्या हो रहा है, भजन हो रहा है, उस भजन में लगाओ। या माता जी कुछ बातें कर रही है उसमें मन को लगाओ। कौन आया कौन गया सबका मुंह मुड़ेगा वो बाजू जब कोई आएगा तो, या कुछ आवाज़ आएगी तो उधर तुरंत मुड़ के देखेंगे। क्यों? क्योंकि मन चंचल है, वो लगता नहीं है भगवान के चरणों में, एक चीज में वो मन रहता नहीं है, वो बिखरता है। सब पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, बट माइंड सब पीसेस होता है आप लोगों का, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा उधर थोड़ा उधर, जिधर मन है वहाँ आप लोग है। मन घर में है तो घर में है, आप यहाँ नहीं है, सिर्फ शरीर आया था यहाँ पर मुर्दा, यहाँ आप लोग नहीं है। या तो कोई बहन के पास, भाई के पास है, और किधर रहेगा, मार्केट में रहेगा। विवेकानंद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, मार्केट प्लेस में भी अगर आप रहेंगे तो आपका मन एकाग्रता होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन इतना आपका होना चाहिए कि आप जिसको चाहते हो, आपको जो चाहिए, आपका लक्ष्य जो है उसी के ऊपर होना चाहिए। वो नहीं होने के कारण ही हमें हजार दुख आता है, और हजार बार हम कहते हैं हम दुखी है, हमें कष्ट है, हमें ये है, हमें वो है, कुछ भी नहीं है, सब इमेजिनेशन है, आप सोचते हो बस। अभी जयमल राजा को, जयमल जी जब ध्यान में बैठते थे उनको पता ही नहीं लगता था बाहर क्या होता है, बहुत बड़ा
एटम बम कोई छोड़ेगा ना फिर भी उनको नहीं पता लगेगा। तो उसका जो छोटा भाई था उसको बहुत लाड से प्यारते थे, प्यार से लाड से पालते थे, वो सब कुछ उनको देते थे, कुछ कमी नहीं रखते थे, क्योंकि उनको माता पिता नहीं था। तो छोटे भाई को बचपन से उन्होंने पाला है, तो भाई भी हमेशा किसी चीज़ पे मन नहीं है, सिर्फ खाना पीना अपने दोस्तों के साथ घूमना उसका वो है। दो जन एक ही माँ के कोख में से आए हैं, एक महात्मा है, संत है, भक्त है, और दूसरा खाना पीना मौज करना दुनिया से क्या लेके जाता, वो उनका बिंदास जीवन था। तो बार बार उनके भाई का जो मित्र है, मित्र तो देखते हैं पैकेट में कितना पैसा है, तभी मित्रता बढ़ती है। पैसे वाला है तो उसका बहुत मित्र था, मित्र होगा तो उसका दोस्त लोग इतना बढ़ गए हैं कि सभी लोग बोलेंगे आज इधर जाएंगे, आज वो लाओ, आज ये लाओ, आज ऐसा करेंगे ऐसा, तो सब खर्चा करके आराम से रहता था उसका भाई। एक दिन वो मित्रों ने उसको कहा कि देखो हम बोलते हैं, आपको ठीक लगे तो ठीक लगे, हम आपके दोस्त है, फ्रेंड है, फ्रेंड्स हमेशा आपका भला ही चाहेगा, हम आपका भला ही चाहते हैं, आप भी राजकुमार हो, आपके भाई भी राजकुमार है, वो राजा बन गए, आपके पास अभी कुछ नहीं है, अभी उसके बाद में, बोला मैं बनूंगा, तुम नहीं बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, लाइनेज ऐसा आता है, वो राजा बनेगा, उसके बाद में उसका बेटा बनेगा। केके की को भी गुनी जो थी उसने वही कहा था, केके की भरत राजा नहीं बनेगा, राम राजा बनेगा, तो उसके बाद राम का बेटा राजा बनेगा, तेरा भरत ऐसे ही रह जाएगा, सेवक बनकर रह जाएगा। इसीलिए राम को 14 साल भेज दो जंगल में। केकेकी का मन बर्बाद करने के लिए ऐसे बात किया वो औरत ने, तो वैसे ही इसका भी मन बर्बाद करने के लिए इसके फ्रेंड्स सर्कल बोलते हैं तुम राजा नहीं बनेगा, उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, वो लाइनेज है ऐसा आएगा, तो तुमको फिर यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे ही रहेगा, आते पीते सोते और बस, थोड़े दिन के बाद पता नहीं वो बच्चे लोग तुमको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तुम्हारे बच्चे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये डर गया, बोल के अगर बोलते ही रहेंगे तो कभी ना कभी किसी का मन में आ जाता है, अच्छा तो था पर बोलते बोलते उसका मन को ख़राब कर दिया उन लोगों ने। इसीलिए हमेशा संग अच्छा होना चाहिए, दोस्ती अच्छा होना चाहिए, तभी चलकर हम शांति से रह सकेंगे, नहीं तो मन बर्बाद होएगा तो अशांति आ जाएगा। तो राजा तुम नहीं बनेगा, इसीलिए तुम्हारे भाई के पास बोल दो कि कल का कल ये राज में से आधा आधा करो और मेरे को आधा राजे दे दो। तो बोला मैं अपने भाई से ऐसा कैसा बात करूँगा, ठीक है मत बात करो, उसके लिए और भी तरीका है, दुश्मन तो होते ही है दुनिया में, तेरे भाई का भी दुश्मन होगा, थोड़े लोगों को जमा कर लो, नहीं है तो पैसा देके उनको खरीदी कर लो, ब्राइब करो, ऐसे लोगों को जमा करके इनके ऊपर चढ़ावा कर दो।
आस्ते 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 वो लोग बोल बोल के फिर थोड़े थोड़े से आर्मी बनाने लगा उसका भाई। इनको तो कुछ पता नहीं, तो पूरा समय सबके ऊपर विश्वास रखते हैं और भगवान के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा के रखते हैं। इनको कभी लगता है मैं कृष्णा हूँ, मैं राधा हूँ, तो कभी लगता है मैं कृष्णा का मित्र हूँ अर्जुन, कभी लगता है मैं गोपिया हूँ, ऐसा करके वो ध्यानावस्था में भगवान के साथ में खेलते थे, कल्पना शक्ति के साथ में। 2-3-4 घंटा 5 घंटा भी वो ध्यान में बैठे रहते थे। तो आस्ते आस्ते लोगों को जमा करके बहुत बड़ा आर्मी को इकट्ठा करके, हाथी घोड़ा बड़े बड़े सिपाहियों को इकट्ठा करके बड़ा आर्मी को लेकर आया। जब ये ध्यान में बैठे तभी उनको कुछ पता नहीं है, वो ध्यान में थे। अब उनको जाकर बुलाने के लिए किसी को धैर्य नहीं है, कोई भी जाकर उनको उठाएगा नहीं ध्यान में से, अब क्या करें। और दरवाज़ा बंद, अंदर बैठ के करते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए वो लोगों ने, मंत्री लोगों ने मिलकर मीटिंग कर सोचा कि अभी इतने चारों ओर से हमें घेर लिया है दुश्मनों ने, अभी हमें कुछ करना चाहिए। तो किले का दरवाज़ा बंद कर दिया, तो बाहर से किले का दरवाज़ा तोड़ने लगे, दरवाज़ा खोलो, क्यों किले के अंदर घुस के एक बार आ जाएंगे तो गद्दी पकड़ लेंगे वो लोग, तो अंदर आने नहीं देने का। सबसे पहला दुश्मन आए तो किले का दरवाज़ा बंद कर देने का। हम भी कोई आते हैं उधर उधर झगड़ा होता है तो जल्दी अपना दरवाज़ा बंद करते हैं ना, वैसा। तो सारा मंत्रियों ने मिलकर किले का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बाहर से किले को तोड़ रहे हैं, दरवाजे को तोड़ रहे हैं, हाथी तोड़ रहा है, कई हाथियाँ मिलकर तोड़ रही है, और बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उन दिनों था उसे तोड़ रहे थे। डर गए अंदर रहने वाले सब लोग, अभी राजा को कैसे उठाए, आधा रास्ता तक जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, उठाएगा तो राजा को उठाएगा तो भगवान को भी गुस्सा आ जाएगा करके। परंतु हुआ ऐसा चमत्कार, भगवान ने क्या बोला है अर्जुन को, अर्जुन को बोलता है योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारा देखूंगा सब, तेरा योगक्षेम मैं देखूंगा, तुम मेरा भक्ति करो, तुम कर्म करो, बस चिंता मत करो कर्म के बदले हमें क्या मिलेगा, फल के लिए चिंता बिल्कुल नहीं करो। तो ऐसा ही हुआ, जैसे गीता में भगवान ने कहा है, वो झूठ नहीं है। हम हजारों बात कहते हैं पर हम नहीं करते हैं, पर भगवान एक बार बोल देते हैं तो उसे करके दिखाते हैं, इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए भगवान कहला जाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं देख लूँगा, तो अभी उनको देखना पड़ेगा। जयमल तो उनका पूजा में ध्यान में बैठे, तो उसी समय पता नहीं क्या हुआ, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, डर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सेनापति सोच रहा है अभी मैं क्या करूं करके। एक लंबा छोड़ा वहाँ पे सिपाही आया, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हाथी ये लकड़ी था, बहुत बड़ा दंड था, दंडम बोलते हैं उसे, वो था, और वो आके खड़ा हो गया एकदम गेट के पास में। तो बड़ा मुच्छी था उसका कंधा, इतना मजबूत, थोड़ा सा सावला, मेरी छामी, तो आकर खड़ा हो गया और खोला दरवाज़ा। सब लोग देखते, अरे
ये अंदर से कहाँ से आया आदमी, दरवाजा खुल गए, खुले तो वो लोग सब मारने को आए, सबको इनको पीछे हटाकर खुद खड़ा है वहाँ पर, एकदम दरवाजे के उधर खड़ा है, डंडे से एक एक को मारा, दंडम बोलते हैं उसको, उससे मारा एक एक को, मार मार के भगाया, ऐसा पकड़ के मच्छरों को फेंकते ऐसा फेंक दिया, सबको इधर उधर फेंक दिया, कुछ लगा ही नहीं, 10 जन उसके ऊपर चढ़ेंगे तो वे सब फेंकते पकड़ के, सब घर के मारे भाग गए दुश्मन लोग कि भाई ये कौन आया इनके घर में, सब भाग गए। आखिर में जाकर जयमल का भाई को पकड़कर हाथों से पकड़ा और लेकर आए अंदर, फिर किले का दरवाजा बंद कर उसका मंत्री के हाथ पे देकर कहा राजा उठेंगे तो इनको पकड़ा देना, इनका काम है ये सब। जब राजा उठे तभी सारा बात मालूम पड़ा, अपना रोज के समय पर वो उठे ध्यान से, सभी लोगों ने कहा इतना बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ कुछ मालूम नहीं। फिर बताया कि एक ऐसे इंसान आया था और उसने सबको बचाया, तब उनको पता लगा कि भगवान के सिवा ये कोई नहीं हो सकता है, कृष्णा वासुदेवा नारायण गोविंदा, इतना बड़ा मेरे कारण आपको इतना बड़ा काम करना पड़ा, आपने कष्ट उठाया भगवान मेरे लिए, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं अपना स्वार्थ के लिए समाधि में बैठा था, मुझे आनंद चाहिए आपके साथ करके, पर आपने मेरा ये काम करके बताया, मेरा ड्यूटी आपने किया। बहुत रोते हैं, सबको दर्शन दिया मुझे नहीं मिला, सबको दर्शन मिला मुझे नहीं मिला, फिर अपना भाई को गले लगा कर रोते हैं, बोला तुम कितना भाग्यशाली हो, गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं आया, उन्होंने पूछा तक भी नहीं क्यों ऐसा किया, बोला तुम कितना भाग्यशाली हो, मैं यहाँ बैठकर उनके लिए तरसता हूँ, कल्पना करता हूँ उनके बारे में, परंतु तुमको निज रूप से आकर उन्होंने पकड़ा, उनका स्पर्श कैसा था, कैसा लगा तुमको, हाउ डिड यू फील व्हेन ही टच्ड यू, सो मच ही क्राइड, गले लगा कर रोया रोया रोया, हे भगवान यू हैव नॉट टच्ड मी बट यू गेव द चांस टू हिम, कितना भाग्यशाली है ये। बहुत बहुत रोया, रोने के बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं अभी ये सब दे संभालूंगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, आई वॉन्ट हिज दर्शनम स्पर्शनम एंड संभाषणम, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, मेरे को उससे बात करना है, मेरे को भगवान आपको आपका स्पर्शन मांगता है, आपका शरणों का स्पर्शन मांगता है और आपका दर्शन मांगता है रोज, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, मनुष्य शरीर लेकर मुझे यही लाभ होना चाहिए, क्या फायदा है फिर से जन्म लेकर, जब मैंने आपका दर्शन नहीं किया, आपके साथ नहीं रहा, सब चीज अपने भाई को दे दिया, बोला भी आप देखो, फिर उन्होंने महल के बाजू में एक खंबा, बड़ा बड़ा खंबा गाड़कर
उस खम्बे के ऊपर एक कक्ष बनाया, रूम बनाया मंदिर जैसा, और उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ी नहीं बनाया। उन दिनों ये रस्सी होता है, वो रस्सी को नीचे डालकर उसके ऊपर चढ़ते हैं, रस्सी का सीढ़ी बनेला रहता है। उस सीढ़ी में चढ़कर जाएंगे, कोई भी नहीं आए उधर, सीढ़ी रहेगा तो लोग आएंगे ऊपर चढ़कर। पूरा दिन वहाँ पे पूजा करेंगे, वहाँ पे भगवान के साथ रमते रहेंगे खुशी से। झूला डाल के रखा था भगवान के लिए, कभी सोचेंगे यशोदा हूँ मैं और आप बाल कृष्ण हो, कभी सोचेंगे राधा हूँ मैं, उनसे मुलाकात करके खुश होएंगे। तो पूरा दिन उसी में इनका जाता था। फिर समय होने के बाद में वो रस्सी को फिर से वो निकाल के रख लेंगे, वो सीढ़ी को किसी को जाने नहीं देंगे, और जब आना है तो सीढ़ी को ऊपर से नीचे डालेंगे, और फिर आप उधर के आएंगे और सीढ़ी को अपने साथ लेकर जाएंगे, ताकि कोई आए नहीं कोई जाए नहीं। एक बार उसकी पत्नी को बहुत लगा, उसको बहुत देखने का दिल हो गया, वो क्या करते हैं ऐसा ऊपर जाकर, कोई जाता ही नहीं वहाँ पर। तो वो मौका देख रही थी, चांस देख रही थी, तो देर हो गया था इनको नहा धोकर ऊपर जाने के लिए, क्योंकि कुछ समस्या आ पड़ी तो ये रस्सी नीचे डाले, रस्सी का सीढ़ी, और ऊपर चढ़ के गए और उसको लपेट के रखने को भूल गए, तो वो उस रस्सी का सीढ़ी में चढ़कर ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पे, और जाकर आस्ते से देखती है तो भगवान को सुला रहे हैं, भगवान कृष्ण को एक झूला डालकर उसमें सुलाकर ऐसा झूला दे रहे हैं और गा रहे हैं, लल्लभी गा रहे हैं। रो के खड़ी थी वहां पर। कृष्णा थोड़ा सो रहे थे, सचमुच का कृष्णा वहां थे, और थोड़ा उठकर ऐसा उसको देखते थे, हंसते थे। तो इनको लगा आज क्या हो गया, भगवान सोए नहीं, भगवान किसको देख रहे हैं। तो देखा तो दरवाजे के पास वो खड़ी थी, उसकी पत्नी। तब समझा कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान ने कहा वो भी महाभक्त है, उसको भी मुझे दर्शन देना था, इसीलिए आज मैंने उसे बुलाया। राजा भक्त, रानी भी भक्त, धन दौलत मोती सोना हीरा चांदी, खाने के लिए हजारों पदार्थ सब होने के बावजूद भी मन ईश्वर के ऊपर लगता है तो बहुत बहुत पुण्य का काम है, ऐसे सबको नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि एक जन्म में हम शुरू करेंगे आस्ते 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 उनके पास जाने के लिए, शनै शनै संस्कृत में कहते हैं, आस्ते आस्ते पहुंच जाएंगे। पता नहीं कौन सा जन्म में जाकर हमको उनके साथ पे मुठभेड़ होगा, उनके साथ बात करना, उनके साथ बैठना, और उनमें समा जाने का समय आएगा। सो वी शुड स्टार्ट नाउ थिंकिंग अबाउट गॉड। पूरा दिन कितना सोचोगे, धन दौलत मनी दैट दिस 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 दिस, लीव योर ऑल पैशंस असाइड, छोड़ दो सब, खरम करो, बी इन द वर्ल्ड बट डोंट बी इन द वर्ल्ड।
डिटैचमेंट, जो भी करता है भगवान करता है, ही विल डू इट, ही इज डूइंग इट, आप करते हैं, क्यों किया नहीं पूछो, क्यों किया नहीं पूछने को, उनकी मर्जी, उनके पास अर्पण कर दो खुद को, फिर देखो क्या होता है। बुढ़ापा में करेंगे हमको, जब ही ओल्ड एज आएगा तो करेंगे, समझ समझो, ओल्ड एज में हमारा शरीर हमको साथ नहीं देता है तो क्या करेंगे, ओल्ड एज में दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ता है सबके लिए, तो डोंट वेट फॉर ओल्ड एज, अभी शुरू करो। इसीलिए कबीरदास ने कहा है, जो आज करे वो अभी करे, जो काल करे वो आज करे। ओम।